कई बार लोग पूछते हैं कि आपको क्या मजा आता है लिखने कोई भी तरह की कहानी हो उसमें बढ़िया इमोशंस हो तो मजा तो उसी में आ जाता है मतलब right. स्क्रिप्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब एज सिंपल एज दैट इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपको पता होनी चाहिए प्रॉब्लम कहाँ है अगर प्रॉब्लम सही है तो तुम करते जाओगे सॉल्व करते जाओगे और रिफाइन होती जाएगी डायरेक्टली टबर नहीं होता राइट you know, right. वो आप और भी काम कर चुके होते हो और छोटे छोटे जो चीजें कर चुके होते हो और वो सब कुछ आपका ऐड हो रहा होता है स्किल में और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है सो संदीप फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द दूमेन प्रोजेक्ट फर्स्ट थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम एंड सेट डाउन विद मी आपको ये प्रॉब्लम प्रॉब्लि क्या मोस्टली पता ही नहीं होगा बट आई वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू आस्क यू ऑन दिस पॉडकास्ट एंड फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज आई फील दैट यू आर वे टू हाई एनर्जी कंपेयर टू मी ये मेरा पर्सनली मुझे लगता है कि यू uh, आर आपका एनर्जी <laughs> <laughs> आपका एनर्जी लेवल कंपेयर टू मी बहुत ज़्यादा है ऐसा मुझे आपसे जब भी मैंने बात किया हमेशा मुझे ऐसा फील हुआ है बैंड रिसेंटली आई रेड समवेयर दैट नी नी ऑर्डर टू बी एनर्जेटिक यू नीड टू बी हैप्पी इन लाइफ एंड रिसेंटली अगर आपका पास टू थ्री ईयर्स का देखें यू हैव एवरी राइट टू बी हैप्पी स्टार्टिंग फ्रॉम कोटा फैक्ट्री का सक्सेस जो आपने यूरोट रोट राइट एंड रिसेंटली uh, mm -hmm. अगर आप टब्बर देखें जिसका mm -hmm. पोस्टर पीछे लगा हुआ है टब्बर इज़ वेरी सक्सेसफुल राइटना एंड उसके लिए यू वन द फिल्मफेयर अवार्ड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विथ दैट लिखे लाइक हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस लाइक क्योंकि लोगों को यह पता नहीं होता है बट दे ओनली सी कि टब्बर लिखा एंड उसके लिए अवार्ड मिल गया बट फॉर एवरी टब्बर देर इज़ अर अनमेरिड दैट यू ऑल्सो हैव टू डू राइट hmm. सो right. so, वो लाइक uh, like वो एक्सपीरियंस कैसा रहा हाउ दिसम ऑफ टबर एंड सक्सेस ऑफ कोटा फैक्ट्री आपको कैसा ट्रीट uh, कर रहा है इसमें दो सवाल पूछ लिए तुमने मुझे एक <laughs> तो कैसा फील हो रहा है ठीक है तो फील तो ऑब्वियसली अच्छा हो रहा है लंबी जर्नी रही है ऑब्वियसली एज यू राइटली सेड दैट यार मतलब टब्बर होने से पहले डायरेक्टली टबर नहीं होता राइट you know, right. वो आप और भी काम कर चुके होते हो और छोटी छोटे जो चीजें कर चुके होते है और वो सब कुछ आपका ऐड हो रहा होता है स्किल में और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है प्रोजेक्ट में तो तो आई थिंक दैट दैट इज जर्नी जो मेरी रही है क्योंकि मैंने स्टार्ट तो बिल्कुल स्केच लिखने से किया है स्केच और शॉर्ट फिल्म से जैसे बाकी लोग करते हैं तो स्केचेस लिखे थे यहाँ पे आके फिर शॉर्ट फिल्म लिखी थी तो आप धीरे धीरे क्योंकि वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू कॉन्ट अप्लाई ऑल थिंग्स एट वंस यू नो सो यू नीड अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन डू इट तो आप बुक पढ़ लेंगे बुक में आपको पता चल जाएगा यार ये छह चीजें करनी है ठीक है और इससे आपका स्क्रीन प्ले अच्छा हो जाता है पर प्रॉब्लम यह है वो हम छह चीजें एक साथ कर नहीं पाते हम या तो दो कर देते हैं फिर कोई दो छूट जाती है वो दो करते हैं तो दूसरी दो छूट जाती है और वही असल है यार की आप शॉर्ट टेस्ट टाइम में वो छः की छह अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं तो तो वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है धीरे 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 और आप उस पर ग्रो करते रहते हो तो अभी भी ये स्ट्रगल यही चलता है अभी भी यही होता है कि यार पाँच हो गया अब छठा नहीं हो पा रहा अब छठी चीज़ को कैसे लेके आए वो लाते हैं तो कुछ और बिगड़ जाता है तो तो हाँ तो या सो इट स्टार्टेड दैट वे एंड इट रीज टू टबर अभी करना तो बहुत कुछ है आगे देखते हैं बट <laughs> हाँ। टबर से पहले का थोड़ा एक स्टोरी बताओ ना लाइक बिकॉज यू वेंट टू आई आई टी एंड uh, uh, उसके बाद आपका काफ़ी साल तक स्टेबल yeah. जॉब था एंड देन यू डिसाइडेड कि नहीं यार मुझे जॉब yeah. नहीं करना मेरे से लैपटॉप के सामने बैठ के नहीं हो पाएगा आई वांट टू बी आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड हेयर यू आर तो वो जर्नी कैसा रहा है आपका नहीं तो तो एक तो बहुत साल नहीं की सिर्फ इक्कीस महीने की काउंट कर रहा था और <laughs> आ, दूसरा वो नहीं था मेरा कि के लैपटॉप के सामने नहीं बैठना क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो लैपटॉप वाली थी नहीं मेरी जॉब मैं फील्ड इंजीनियर था तो <laughs> जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं तो मैं फील्ड पर ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे ओ एन तो बहुत बहुत सही जॉब थी मतलब हेलीकॉप्टर में बैठना होगा सी सर्वाइवल ट्रेनिंग हो रही है फायर एक्सटिंग ट्रेनिंग हो रही है मतलब काफ़ी हैंड्स ऑन जॉब थी टाइक टिपिकल इंजीनियरिंग जॉब टाइप का था फ्लेवर उसमें तो वो तो सही थी काफ़ी पर क्योंकि मैंने उससे पहले ही डिसाइड कर रखा था अगर मैंने पहले डिसाइड नहीं किया होता तो शायद मैं फिर सस्टेन करना चाहता उसमें और मुझे डिफिकल्टी होती छोड़ने में बिकॉज हाई पैकेज जॉब था पर क्योंकि मेरा पहले से काफ़ी क्लियर था कि आ, तो मैं जब आया था तब तो मैंने राइटिंग सोच के नहीं आया था तब तो मैं एक्टिंग सोच के आया था इस इंडस्ट्री में एंड उससे पहले छोटे शहर में उतना ही पता होता है आपको फिल्म को लेकर क्योंकि एक्टर दिखता है तो आपको सिर्फ एक्टर के बारे में पता होता है तो वही था मेरा भी तो मैं कॉलेज uh, में मैं डांस करता था मैं स्ट्रीट प्ले वगैरह करता था प्राइमरीली इन टू डांसिंग इंडियाज़ गॉट टैलेंट अपियर हुआ था तो एक हमेशा तो क्लैरिटी थी कि मैं दो साल जॉब करूँगा और दो साल जॉब करने के बाद आई एल क्विट एंड देन आई हैव आई हैव माई ओन फाइनेंस मैनेज कर पाऊंगा और मैं इस लाइन में आ जाऊँगा uh, जब मैं फिर इस लाइन में आया तो मैंने मैंने ही मार दी जिसे कहते हैं ठीक है ज्यादा नहीं सोचा डिसाइड किया अब, अब टाइम आ गया करते हैं तो काफी लोगों को ये लगा यार यार आज भी पूछते रहते हैं कि यार, मतलब तूने सोचा तुझने कहा सोच, उस वक्त कुछ नहीं सोचा यही तो सोचा अगर कुछ सोच लेता तो नहीं छोड़ पाता ना मैंने कुछ नहीं सोचा वही करना होता है ठीक है कि क्यों मतलब क्योंकि अब तो काफी ओ और डिजिटल वाला है स्पेस पर उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं तो टिपिकल वो स्ट्रक्चर था कि क्या करें अंधेरी वेस्ट एक जगह है वहां चलते हैं वहां जाके फिर देखेंगे ठीक है ऑब्वियसली तो तो मैंने वो प्लंज ले लिया एक बेसिक आप प्लंज लेते वक्त एक बेसिक समझ लेते हो कि यार आपको कितना प्रैक्टिकली टाइम लग सकता है उस चीज में तो आपको कितने फाइनेंस होने चाहिए एक बेसिक कैलकुलेशन कर ली थी एंड मुझे लगा कि यार मैं इतना तो कर सकता हूँ अपने डेढ़ दो साल दो साल तो मैं अब इसमें घुस के देखता हूँ कर हुआ क्या क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं पता और लिटरली अब आप देख ही रहे हो कि मुझे नहीं पता था ना मुझे नहीं पता था कि मैं राइटिंग में मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड ठीक है राइट क्योंकि आपको पहले आए से आए नहीं तो पता था। था। कुछ चीजें आपको कूदने के बाद ही समझ में आता हाँ तो कूदने के बाद समझ में आता है मैं एक्टिंग कर रहा था मैं एड्स में एक्ट कर रहा था एंड मैं एड्स के एक्टिंग के बाद शूट के बाद मैं बैठ के ऐसी टीम के साथ आप बैठ जाते हो क्रू के साथ हैंग आउट कर रहे होते हो तो मैं उसके बाद हैंंग आउट कर रहा था इमोशनल फुल्स जो चैनल था तो मैंने वहां पर आइडियाज वाइडियाज देने लग गया मैं अगले एड के लिए कुछ 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 बैठे बैठे तो उन्होंने बोला यार तू सोचता सही है मतलब ऑब्वियसली फिनिशिंग नहीं थी लेकिन तू सोचता सही है कुछ तो आ रहा है तो तू लिखता भी क्यों नहीं है, है तो मैं ये कर लेता हूँ तो फिर वहाँ पे पार्टनर कर लिया, और, और इमोशनल फुल्स में एंड उस वक्त फिर ये फील्ड मेरे लिए काफी हद तक एक्सप्लोर हुई कि यार इसमें भी मज़ा आ रहा है यार राइटिंग में भी मजा आ रहा है ठीक है डायरेक्शन में जब असिस्ट कर रहे हैं सेट पर मजा आ रहा है चीजों को हैंडल करने में मजा आ रहा है तो तो फिर वहाँ से मेरा खुला वो डोमेन एंड वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई जहाँ पे पहले कॉमेडी स्केचेस वगैरह करते थे यूट्यूब के लिए फिर शॉर्ट फिल्म ब्रांडेड वीडियोस कुछ डायरेक्ट किए कुछ लिखे एंड फिर खुद के सीरीज़ लिखना स्टार्ट किया जैसे आपने बोला तो सीरीज़ लिखी एंड फिर कोटा फैक्ट्री क्योंकि मैं कोटा में रहा हूँ एंड इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि टी को उधर जो मेन हेड कर रहे थे उस वक्त इस प्रोजेक्ट को तो उनको पता था मैं कोटा में रहा हूँ तो उन्होंने बोला यार के, कोटा के ऊपर कुछ करना है सीजन वन की बात है तो फिर मैं काफी एक्साइटेड था मैंने कहा यार वहाँ तो रहे हैं, वहां की life, कुछ निकालते हैं। तो दैट इज हाउ कोटा फैक्ट्री सीजन है वही था मुझे हमेशा से ये था कि थोड़ा मुझे एक्सप्लोरेशन करने में बहुत मजा आता है और थोड़ा कुछ चैलेंजिंग चाहिए होता है तो मैं फिक्स फॉर्मेट में ढलना नहीं चाहता एंड दैट इज़ द रीजन मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइटिंग प्रोजेक्ट्स वाइज भी कई बार लोग पूछते हैं कि आपको क्या मजा आता है लिखने में तो मैंने कहा यार मुझे तो कोई भी तरह की कहानी हो उसमें बढ़िया emotions हो तो मज़ा तो उसी में आ जाता है अब बात होती है कि right. वो किस जॉनरा की है उसके हिसाब से आप अडेप्ट करके उसकी ग्रामर लगाते हो अब उसकी ग्रामर क्या है वो मुझे पहले से थोड़ी पता है उसकी ग्रामर क्या है मैं कोई फिल्म स्कूल से तो आया नहीं हूँ उसकी ग्रामर में आई आई फील आई एम गुड विद डिडक्टिंग एंड यू नो वाट द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग सो आई विल वॉच इट एंड आई विड्यूस कि यार ये इसका ये स्ट्रक्चर है एंड फिर मैं उसी स्ट्रक्चर को या मैं अपना मिक्स करके जो मुझे स्ट्रक्चर पसंद आता है ना वो बना देता हूँ तो या दैट इज़ प्रिटी मच दर्नी सो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी मैं एक एक करके पकड़ता हूँ यू सेट की कुद्दी मार दी थी uh, तो पैरासाइट मूवी मे बी देर अ डायलॉग कि द बेस्ट प्लान टू हैव इज टू हैव नो प्लान एट ऑल मोरल एज़ दैट रिलेट्स विद योर जो आपका स्टोरी रहा है अच्छा एक सवाल मुझे जेन्युइनली पूछना था आपसे हाउ लाइक व्हाट डू यू एसोसिएट योरसेल्फ मोस्ट विद आप एज अ राइटर एसोसिएट करते हो विच यू फील यू आर बेटर एट आप एज अ एक्टर अच्छा हो डायरेक्टर अच्छा हो और या फिर राइटर uh, hmm. अच्छे हो लाइक बिकॉज़ यू हैव ट्राइड योर हैंथ एट ऑल ऑफ देम हम हम राइट राइट सो योर डायरेक्शन आई वुड से देखो डायरेक्शन जब तक तो कोई चीज ट्राई नहीं की होती तो सील तो नहीं लगा सकता मैं उस चीज पे ठीक है पर जैसे मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी एंड जो डायरेक्ट की थी मैंने वो काफी वर्क की थी और इंडस्ट्री में भी काफी लोगों को काफी सही लगी थी और उन्होंने बोला यार तू डायरेक्शन क्यों नहीं करता तेरा बहुत सही है ठीक है तो मैंने कहा हाँ करेंगे पर अब उस टाइम पे मतलब ऑब्वियसली मैंने असिस्ट वाले जोन में बड़े प्रोजेक्ट्स पे फिल्म्स में मैंने असिस्ट वाला नहीं पकड़ा था रास्ता आप एक ही रास्ता पकड़ सकते हो तो, तो मैंने रास्ता फिर राइटिंग वाला ऑटोमेटिकली हो गया तो मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया तो वो तीन चार साल जब इतनी घिसा के लिखी हर दिन तो ऑब्वियसली वो इम्प्रूव हो ही जाती है फिर आप जब वो चीज़ करने लगते हो तो तो डेली लिख ही रहा हूँ मतलब मुझे ये पता है कि मैंने किस दिन नहीं लिखा मैं ऐसे बता सकता हूँ तो इतना लिखा है हर दिन ऑलमोस्ट मैं रिवर्स hmm. बता सकता हूँ कि हाँ ये आठ डेट्स हैं जिस दिन मैंने नहीं लिखा नहीं तो हर दिन लिख रहा हूँ <laughs> तो राइटिंग ऑब्वियसली इज बेटर राइट नाउ एंड डायरेक्शन का इंस्टिंगटिवली मुझे लोगों ने एक्चुअली कहा कि डायरेक्शन काफी सही है तू परस्यू कर एंड फ्यूचर uh, में मैं डायरेक्शन के साइड भी देखूंगा ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट टू डायरेक्ट एवरी प्रोजेक्ट विच आई राइट यू नो समी एस माइट बी बेटर फिट फॉर इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कहानी किस तरह की है तो कुछ कहानियाँ डायरेक्ट करूंगा कुछ नहीं करूंगा और एक्टर अभी भी बनना चाहते हैं एक्टर का ऐसा है कि देखो अभी तो मैं तीन साल से तो उस पर फोकस नहीं किया है कुछ प्रोजेक्ट्स अपने आप से आ जाते हैं कभी ऐड का कुछ आ जाता है या कुछ आ जाता है तो मैं उस पर फिर ऑब्वियसली फिर कर लेते हैं क्योंकि उसका एजुकेशन भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना एक इंसान के अंदर ऐसे बहुत कंपार्टमेंटलाइज कर नहीं पाते क्योंकि उसकी भी ट्रेनिंग ली हुई है तो वो भी एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है तो वो मोड की बात होती है अगर सच से स्विच किया तो फिर आप एक्टर मोड में चले जाते हो और मुझे पता है कि एक्टर मोड मेरा क्या है राइटर मोड क्या है डायरेक्टर मोड क्या है तो बहुत क्लैरिटी है उस चीज़ की तो मैं राइटिंग के टाइम पे अगर कोई मुझे कहता है कि कल करना है तो फिर मैं तीन घंटे पहले स्विच ऑफ करता हूँ राइटिंग मोड को मतलब मैं बहुत मशीन की तरह बता रहा हूँ पर एक्चुअली मैं फिर स्विच ऑफ़ करता हूँ और और मेरा एक्टर मोड स्टार्ट होता है और मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा उन तीन घंटे में कि जो एक्टर बॉडी को जरूरत होती है मैं उसमें स्विच कर जाऊंगा hmm. और मैं इजली फिर स्विच कर जाता हूँ क्योंकि वो कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक्टर माइंड थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करता है तो मुझे उस फिर उस जोन में रहना होता है फिर धीरे से घुसता हूँ तो वो है पर बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल तीन चार साल से तो मैंने एक्टिंग को तो परस्यू नहीं किया है बहुत स्ट्रांगली फ्यूचर uh, में प्रोस्पेक्ट्स आते हैं तो ऑब्वियसली आई विल बी ओपन टू डू दैन बट अभी फोकस मोस्टली राइटिंग पे ही है आपने एक और चीज जी 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 आपने एक और चीज बोला था अभी कि कोटा फैक्ट्री आपका लाइक like, क्योंकि आप कोटा में गए थे आप कोटा में रहे थे सो यू आर आप उसको खुद से लिखना चाहते थे एंड टब्बर इज सेट इन पंजाब टब्बर इज सेट इन पंजाब एंड उसका डायलॉग भी अगर आप देखोगे तो काफी सारा पंजाब का लिंगो टच आता का है

बिकॉज हरमन वडाला जो है जो क्रिएटर ऑफ द शो है वो पंजाब से है तो एक चीज क्लियर थी कि लिंगो वाला जो है इशू जो डायलेक्ट वाला है डायलॉग्स का उस पर नहीं जाना पड़ेगा हमको कॉन्टेंट पे ध्यान देना है सेंटेंस सीन की स्ट्रक्चरिंग पर ध्यान देना है और डायलॉग में कॉन्टेंट क्या है कितने कम शब्दों में कह सकते हैं वो करना है तो जनरली पुश भी नहीं करते थे तो मैं जब ड्राफ्ट लिखता था तो मैं ये नहीं पुछ करता था कि मेरी पंजाबी में डायलॉग बहुत ज़्यादा लिखना है

कुछ वहां की लोकल है तो आपको पता है हर शहर का कुछ खाने का होता है हर शहर का कुछ ये होता है गुरुद्वारे कहाँ पर है कौन सा मेन गुरुद्वारा है तो बेसिकली जो चाहिए बस आपको है ना राइट right क्वेश्चन पूछना है आंसर मिल जाता है प्रॉब्लम ये होती है मैक्सिमम जो मैंने फेस किया है लोग राइट right क्वेश्चन ही नहीं पूछते यार लाइफ सर्च ही नहीं करते तो सर्च ही नहीं करोगे तो कैसे आंसर मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप पूछना है राइट दैट्स दैट मतलब स्क्रिप्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम कहां है अगर प्रॉब्लम सही है तो तुम करते जाओगे सॉल्व करते जाओगे और वो रिफाइन होती जाएगी होता जाएगा राइट right. uh, बहुत सारे स्टेब्लिश राइटर्स ये बोलते हैं कि लाइक वेनएवर दे आर वर्किंग ऑन समथिंग एंड वेन एवर दे आर वर्किंग ऑन समथिंग दे आर राइटिंग समथिंग तो उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो दैट सीप्स इन टू दे आर राइटिंग एज वेल एंड क्विंटन टेरेंटिनो इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल विच आई कैन थिंक ऑफ दैट कि अगर उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो वो इसकी स्क्रिप्ट में हुँ. आ जाता है सो इज़ इट ऑल्सो द केस विद यू Uh, कि अगर कुछ लाइक लेट से समथिंग बैड हैपन विद यू और आप कुछ हैप्पी सीन लिख रहे हो सो so वो सैडनेस उस हैप्पी सीन में सीप इन होता है या आप पूरा और यू यू आर एबल टू कंपार्टमेंटलाइज बोथ ऑफ देम तो स्टार्ट में जब जनरली जब लिखना शुरू किया था ठीक है तो काफी हद तक खुद के एक्सपीरियंस से ही कहानी डिजाइन हो रही थी ठीक है एंड hmm. बट लेटर स्टेजेस पे ओब्वियसली uh, फिर तुम्हें तो समझ में आ जाता है यार कि यार ये ठीक है लर्निंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सही है पर यार एट दी एंड यार यू आर अ प्रोफेशनल राइटर ठीक है तो Great. आप uh, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए यार कि कैसे मुझे खुद की जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं है यार इंटरेस्टिंग फ्रेंकली ठीक है पर मेरी जिंदगी में कुछ इमोशन मैंने एक्सपीरियंस किया उनको अब इंटरेस्टिंग तरीके से किस कैरेक्टर में कहां जरूरत पड़ जाएगी कहां यूज हो जाएंगे वो एक डिफरेंट टेक है पर जिसकी जिंदगी इंटरेस्टिंग है या किसी की भी नहीं है तो तुम एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाओगे जिसकी जिंदगी इंटरेस्टिंग है और फिर कहोगे तो तो वो आई नो पार्टली ये मेरा आंसर तुमने जो स्पेसिफिकली पूछा है कि यार मैं किसी दिन सैड मूड में हूँ और उस दिन मुझे हैप्पी सीन लिखना है तो या तो मैं नहीं लिख पाऊंगा तो मैं नहीं लिखूंगा ठीक है अगर उस दिन नहीं लिख पा रहा हूँ या फिर मुझे मूड शिफ्ट करके फिर लिखना पड़ेगा तो दोनों चीज़ें होती हैं कई बार मूड शिफ्ट हो जाता है म्यूजिक का मैं बहुत यूज़ करता हूँ जो मूड शिफ्टिंग वगैरह करनी होती है और अगर नहीं हो पा रहा फिर भी तो फिर मैं छोड़ देता हूँ उस दिन नहीं लिखता Uh, आपने स्टार्टिंग में एक और बात बोला था व्हेन यू आर डिस्कसिंग आपका टब्बर एंड कोटा फैक्ट्री का पार्ट कि uh, जब आप इंडस्ट्री में आए थे आपने कूदी मारी थी सो यू वांटेड टू बी अ राइटर यू वांटेड टू बी एन एक्टर क्योंकि सिटीज़ uh, में और आइडिया हमारा सबका वही रहता है विच आई थिंक कि एक इशू ये भी है कि राइटर्स लाइक नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द ऑल ओवर द वर्ल्ड दे डोंट गेट फेम as much as they should i don't know if you feel right. that that situation is changing right now change ho rahi hai but obviously kya hota hai na pehle se better ho gayi hai but i mm -hmm. won't say ki wo ekdam perfect aur mujhe lagta bhi nahi wo utna utne level pe change aa payega industry के अंदर अंदर बहुत respect रहती है writer की ठीक है right. बहुत शायद ज्यादा बोल दिया होगा but ठीक ठाक तो रहती है definitely <laughs> क्योंकि उनको पता है यार कहानी वहीं से शुरू होनी है ठीक है तो हर प्रोड्यूसर hmm. को ही पता है यार एक अच्छा राइटर चाहिए स्क्रिप्ट बनानी है एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए जिससे वो एग्जीक्यूट हो और तो वो है लेकिन अब जो आम जनता है दे केयर अबाउट यार मतलब किसने लिखा है मतलब बहुत बड़े राइटर्स के अलावा दे डोंट कम बिकॉज ऑफ राइटर एंड दैट्स फैक्ट एंड यू कॉन्ट चेंज दैट परसेप्शन बिकॉज दे आर दे डोंट केयर के कैसे बनाए मतलब मैं अगर आज स्कूटर खरीदता हूँ मैं बाइक खरीदता हूँ तो आई डोंट केयर ना किस इंजीनियर ने बाइक बनाई है hmm. मैं बाइक खरीद रहा हूँ यार वो कैसी दिख रही है वो कैसी चल रही है मुझे क्या फील दे रही है जब मैं बाइक पे बैठ रहा हूँ आई जस्ट केयर अबाउट दैट और एक ब्रांड जो ब्रांड मेरे लिए ट्रेलर होता है एक तरीके से ठीक है कि भाई मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे क्या फील हुआ अब मैं उसको hmm. ट्राई करने जा रहा हूँ मेरे को जो फील हुआ हुआ उतना ही है यार कि यार होडा की बाइक आती है तो ये ऐसी होती है बस अब मैं ट्राई करूंगा और जो मुझे फील हो गया मैं कभी इंजीनियर्स के बारे में नहीं पूछूंगा तो वही है यार तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें फेम मिलेगा सो काम की तरह लो म, खुद इंजॉय करो खुद को मजा आ रहा है खुश रहो इंडस्ट्री में काम मिल रहा है खुश रहो और करो मतलब एक्सपेक्ट मत करो फेम वेम के चक्कर में ये सवाल मेरा लाइक दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ योर शोज जिसके पीछे पोस्टर लगे हुए हैं टब्बर एंड कोटा फैक्ट्री के लिए व्हाट आर द हाइलाइट्स लाइक लाइक बेस्ट हाईलाइट एंड द वर्स्ट

मुझे काफी मजा आया था एक्चुअली सौरभ खन्ना के साथ काम करने में और उन्होंने जिस तरह से वो परसीव करते थे काम करते थे तो मुझे ना एक्चुअली काफी मजा आया था ठीक है क्योंकि फ्रीडम थी एक तो लिख के लाओ और उस पर जो फीडबैक आता था वो जब सही आता है ना तो आपको अच्छा लगता है प्रोसेस वाइज ना इट uh, कहीं भी मुझे ऐसा इशू नहीं हुआ इन लर्निंग फेज था uh, टब्बर में भी बिकॉज़ इट वाज़ अ थ्रिलर अगेन तो बेस्ट एक्सपीरियंस uh, क्या बताऊँ यार मतलब बहुत कुछ <laughs> uh, ऐसे एक नॉ यू कैन स्टार्ट विद द वर्स्ट वन मैं बोलूँगा कि अच्छा

तो इतना मजा आ रहा था सेट पे उन एक्टर्स के साथ काम करने में इंटरेक्ट करने में आ, पवन सर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे तो सुप्रिया मैम तो उनको तो ऐसा लग रहा था मैजिशियंस आ गए हैं सेट पे देख के लगता था यार क्या सीन लिखा था और किस तरीके से एक्ट कर दिया इतना सही तो मतलब बहुत सारे गुड एक्सपीरियंसेस तो थे ऑब्वियसली व्हेन इट रिलीज्ड दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस जब आपको रिस्पांस मिलता है ठीक है तो समझ में आता है उससे पहले मुझे तो खुद इतना कभी सोचते नहीं हो ना कि इस शो के साथ क्या हो जाएगा ना कोटा फैक्ट्री के टाइम पे मुझे जरा भी आइडिया था एंड ना टब्बर के टाइम पे इतना आइडिया था कि मतलब किस लेवल पे जाएगा ना आप तो बस कर रहे होते के साथ, के साथ, तो uh, worst, worst नहीं है लेकिन ऑब्वियसली क्रिएटिव फाइट्स होती हैं ठीक है प्रोजेक्ट में uh, खड़ा खड़े करते वक्त तो, तो कभी कभी हम राइट को राइटर्स हमारे आपस में हुई हैं आ, कभी मेरी और हरमन की काफी सारी कई बार डायरेक्टर के साथ भी हुई है एट टाइम्स ठीक है एंड ऑब्वियसली वो एक फेज होता है जिसमें दो घंटे तो ऐसा लगता है कि यार ये सोचा था ये 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 बट देन वी बोथ केम टू अ कॉमन कंक्लूजन आ, जो अजीत सर है उनकी भी सेंसिबिलिटी काफी सही है तो अजीत को हमारे आप पॉइंट समझ में आता है कि हम क्यों कुछ चीज को रखना चाह रहे हैं थ्रिल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम उनका भी पॉइंट समझते हैं कि यार वो क्यों कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल टोन में क्या है एंड देन कॉमन ग्राउंड कि हाँ ये दोनों चीज अचीव हो गई ये हमारा सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्यूशन तो पर वो क्रिएटिव फाइट जब वो होती है तो ऐसा लगता है कि क्योंकि आपको कुछ दिखता नहीं है आपको लगता है यही इसी के लिए आप जी रहे थे और ये एकदम से कैसे चेंज हो रहा है क्या गलत हो रहा है इसमें तो काफी वो वाला मोमेंट होता है और वो दो तीन बार हुआ है हम लोगों में So, वर, तो hmm. hmm. मैं पॉडकास्ट का देखने में यू आर वे टू हाई एनर्जी टू मी जो आपका शिफ्ट हुआ ना अभी फ्रॉम रिलेक्स टू यू आर मैं बहुत एक्साइटेड बात करने में सडन शिफ्ट अभी दिखा मुझे सो दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट

बनेगा नहीं तो मैं उस तरह का इंसान तो नहीं हूँ तो जो लिमिटेशन थी उसमें आई थिंक देर आर फ्यू प्लेसेज जहाँ पे थोड़ा फास्ट ट्रैक हुआ है कहानी मुझे ऐसा फील होता है सेकेंड हाफ में थोड़ा जो थोड़ा और सही से हम लोग थोड़ा और सही से हैंडल कर पाते शायद कुछ कुछ चीजों को आ, ऐसे और भी हैं अब मैं टेक्निकल्स में घुसूंगा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता जो चीज़ ऑडियंस नहीं सोच पा रही मैं उनको बता दूं <laughs> यहाँ पे देखो ये रहा ये ये देखो ये <laughs> एपिसोड तो, <laughs> <नहीं बता> <laughs> so तो, तो, तो हम लोग पार्टी में थे गगन था मैं हरमन वगैरह वगैरह जब तो शो रिलीज हुआ तो और एकदम हाई होता है ना और मतलब hmm. गगन एकदम खुश ठीक है आ, तो पा, आफ्टर पार्टी चल रही थी हम लोग मेरे घर पे बैठे हुए थे और फिर

पता अच्छा मैं, आपने मैं, पहले नहीं बताया क्योंकि मैं मैं गैस करू क्या करो करो डेबिट कार्ड पे नाम नहीं लिखा हुआ था किसी का वो एक इशू था क्या <laughs> नहीं 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 डेबिट कार्ड वाला तो फिर भी हैंडल हो जाएगा नहीं दूसरा था थोड़ा सा ब्रॉड है वो ये तो थोड़े डायरेक्टोरियल और ये थोड़े मतलब वैसी चीजें हैं बट वो थोड़ा अलग है गैस करना है तो कर लो मतलब मैं यस बोलूंगा नो नहीं बोलूंगा <laughs> नहीं चलिए तो किसी ने तो... नहीं पकड़ा है ना तो मैं इसलिए बता नहीं रहा वो क्रिटिक्स ने भी नहीं लिखा किसी ने नहीं लिखा तो मैंने कि वो बेसिकली क्या होता है ना स्क्रीन प्ले में एक चीज बहुत पहले भी पढ़ी थी और सीखी थी कि यार एक इमोशनल जर्नी है वो ऑडियंस के लिए उस जर्नी में ऑडियंस चार सवाल पूछेगी और उन चार सवाल के गलत जवाब नहीं होने चाहिए जो उनके दिमाग में आ रहे हैं पर जो सवाल उनके दिमाग में नहीं आ रहा तो तुमने फिर तुमने अचीव कर लिया ठीक है क्योंकि तुमने वो ऐसे लिख दिया कि वो सवाल नहीं आ रहा है दिमाग और जो सवाल आ रहा है उसका आंसर गलत है वो तो काफी लोगों ने पॉइंट कर भी रखा है एक दो चीजें हैं जो वहाँ पर आप मिस कर गए सो so, आपने राइटिंग एज अ कोलेबरेटिव एफर्ट भी प्रोसेस किया लाइक टब्बर में यू आरा को राइटर एंड कोटा फैक्ट्री में व्यू आरा को राइटर एंड उसके अलावा आपने लाइक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर किए लाइक दैट आपका वॉर रूम वाला जो आपका स्क्रिप्ट था mm -hmm. जो आपने खुद लिखा था सो हाउ इज़ दैट कोलेबरेटिव एफर्ट डिफरेंट या शॉर्ट सो हाउ इज़ दैट कोलेबरेटिव एफर्ट डिफरेंट फॉर यू फ्रॉम राइटिंग एज अ इंडिविजुअल राइटर एंड विच वन यू प्रीफर

जब बहुत ज्यादा सिंक या यूनिफॉर्मिटी है दोनों के थिंकिंग प्रोसेस में प्लस विजन को लेकर वो ढूंढना काफी टफ है वो होना काफी टफ है तो आई हैव इंटरेक्टेड विद मेनी राइटर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबके साथ वो एक यूनिफॉर्मिटी बन नहीं पाती तो तो अगर वो बन जाती है तो आई थिंक फास्टर प्रोसेस है डेफिनेटली फास्टर प्रोसेस तो पहले भी क्या होता था ना आपने देखा होगा कि राइटर के साथ डायरेक्टर

वैलिडेशन भी मिल गया क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क hmm. कर रहा है यू नो और उसमें कुछ वन अप हो गया या नहीं हुआ तो वो वो हेल्प करता है टू स्पीड अप द प्रोसेस तो आपको एक बाउंसिंग बोर्ड तो डेफिनेटली हो सकता है वो को राइटर ना हो तो फिर आपका डायरेक्टर हो या फिर आपका प्रोड्यूसर हो जिससे स्पीड बन जाए अदरवाइज ये होगा कि तुम कुछ इतना सारा लिख के ले आए और उसमें से आधा ही गलत था तुम अगर दस दिन पहले जाते तो दस दिन बच जाते वैसा हो जाता तो वो चीज है आ, या

मतलब जैसे जनरली शोज में क्या हो गया ना कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म जैसी सेंक्शन करेगा उसको बोलेगा चार महीने में हमें डिलीवर करना है तो अभी hmm. तुम्हारा अगर कोई आ, मुझे अगर बोलोगे कि आठ महीने में करना है मैं खुद से करूँगा अब पा पातालो की जैसे देख लो यार उसमें आपको इतनी सारी रिसर्च करनी थी इतना कुछ चाहिए था इट्स नॉट दैट यार एक बंदा लिख सकता है नहीं लिख सकता वो सवाल नहीं है उस कंस्टेंट टाइम में उसको ऑथेंटिसिटी के साथ लिखने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए वहाँ आ जाती है बात तो अगर टाइम hmm. है तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं साल का एक ही प्रोजेक्ट लिखूँ तो <laughs> मैं तो hmm. <laughs> मैंने किसी तो कोई सम मराठी राइटर है जिसका मैंने स्टोरी सुना था आई डोंदर इट इज ट्रू और वेरी फेमस मराठी राइटर तो कोई मुझे बोला की कि, uh, hmm. किसी प्रोड्यूसर ने उनको रुपए दिए बोला कि आपको मैं मूव मांगी कीमत दे रहा हूँ आई नीड अ गुड स्क्रिप्ट मेरी मूवी के लिए आपको चाहिए तो मैं आपको दो तीन महीने अपने फार्म हाउस में भी छोड़ता हूँ आफ्टर टू थ्री मंथ दैट राइटर केम अप विद नथिंग कह रहा है कि मेरा दो तीन महीने में मुझे कुछ hmm. क्लिक ही नहीं किया आई नीड द हसल बसल ऑफ सिटी और मुझे टाइम कंस्ट्रेन नहीं चाहिए मैं तभी आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाऊंगा सो सो दैट्स अ नाइस स्टोरी कि यार आ hmm, कंस्ट्रेन hmm, hmm. में टाइम करना यू हैव टू फाइट योर क्रिएटिव सेल्फ की यार क्योंकि क्रिएटिविटी टाइम बाउंड नहीं होती है

एंड फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया कि यार ये आठ लोग हैं मेरा कोलाबोरेटिव सही बन जाता है तो hmm. तो बस वो वहां पर थोड़ा कई बार टाइम वेस्ट भी हो जाता है इसलिए आपने देखा होगा कि यार इंडस्ट्री में ना काफी लोगों के अपना अपना एक जो बन जाता है गुट hmm. उसका गैंग रीजन गैंग और है. कुछ नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को इतना अच्छा गैंग बन जाता है तो वो इतना है कि वो एक दूसरे को इतना अच्छे समझ गए हैं कि मेरी आधी लाइन पे वो आधी लाइन समझ जाएगा तो इट्स जस्ट अबाउट टाइम कि अब मैं जो स्क्रिप्ट पहले इतने टाइम में डिलीवर कर सकता था वो मैं कम में कर सकता हूँ फिल्म hmm, uh, like a... में मुझे लगता है इट है सिंगल जनरली सोलो राइटर वाला जोन ज्यादा वर्क uh, करेगा मल्टीपल राइटर्स वाला वाला hmm. एक छोटी लिमिट की कहानी होती है उसमें एक भी धागा का इधर उधर हुआ यू you नो know, तो वो अजीब सा हो जाएगा उसका फ्लेवर hmm. शोज में अपन right. वो लंबी कहानी होती है तो मैनेज कर पाते फिल्म थोड़ी ट्रिकी होती है वट वुड यू प्र आपके पास लाइक uh, like, मौका आता है टू राइट सीरियल सोपरा का मुझे सब तरह के मजा आता है मोर लेस ठीक है hmm. uh, मसाला फिल्में खुद ने देखी है खुद को मजा आया है और खुद कई बार देखना भी चाहते हो तो जो चीज तुम देखना चाहते हो जनरली वो तुम लिखना भी चाहोगे बनाना चाहोगे भविष्य में uh, तो इट इज अबाउट स्टोरी एंड इट इज अबाउट इज न्यू इन दैट

क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना होता है आपको ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं सो आई नेवर आइडेंटिफाई विथ कि यार ये इंडी जोन का है ये बॉक्स ऑफिस जोन का ये मसाला जोन का है उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सुनते वक्त मेरे लिए होता है यार इसमें एक्सपेक्टर क्या है हम क्या नया दे रहे हैं अ इफ टू बी राइटर इन द इंडस्ट्री कुछ एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हैं बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं बहुत अलग अलग तरह के राइटर हैं आई डोंट थिंक यार एक सिंगल एडवाइस जरा भी हेल्प करेगी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज हैं बढ़िया देखें वो बट <laughs> एक एक चीज दो तीन चीज कह सकता हूँ कि स्लोली एंड स्लोली यू विल फाइंड योर ओन स्ट्रक्चर ऑफ योर वे ऑफ वर्किंग की फाइंडिंग दैट व्हाट वर्क्स फॉर यू व्हाट डजन वर्क फॉर यू और वो फाइंड करने के लिए यू हैव टू राइट इंट्रैक्ट विथ एज मैन नरेट योर स्टोरीज टू पीपल ठीक है mm -hmm. क्योंकि काफी टाइम तुम इतने सब्जेक्टिवली uh, इतना पसंद करते हो किसी चीज़ को और उसको लिखते हो और किसी को सुनाते नहीं हो सालों सालों तक तो या तो हो सकता है तुमने मास्टरपीस बना दिया पर अगर तुम्हें थोड़ा सा ग्राउंड चेक रखे हैं कुछ अपने क्लोज सर्कल में किसी को कभी सुना दें या पढ़ा दें दो तो तरह के राइटर होते हैं कोई सुनाने में अच्छे होते हैं कुछ पढ़ाने में अच्छे होते हैं तो या तो पढ़ा दो या सुना दो पर वो करो बाकी तो यार सब पता ही है खूब सारी किताबें पढ़ो पढ़ो पढो स्ट्रक्चर करो 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 डिड्यूस जो करना है करो यार सबका अपना अपना तरीका एनी एनी बुक यू टू टू रिकमेंड स्क्रीन राइटर्स नहीं यार मैं तो स्टार्ट में वही सब पढ़ा था बट कुछ भी पढ़ लो ठीक मतलब वही, वही है कि यार, मतलब मैं कई बार बैठता हूँ और लोग इतनी सारी बातें करते हैं मतलब सारा सारा

राइट रेदर देन गोइंग इन टू टेक्निकलिटीज़ जो सोल है उसका एटलीस्ट ब्रिंग दैट आउट और पोर्ट्रेट इन योर ओन वे राइट आपने अभी एक बात बोली थी कि एवरी वन हैज़ टू फिगर देयर वे आउट सबको अपना रास्ता खुद बनाना है एंड सबके लिए लाइक इट इज राइटिंग इन द इंडस्ट्री कुड मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल सो उसी के रिलेटेड मेरा सवाल है आपसे uh, आपके लिए लाइक वट वॉट डज सक्सेस मीन टू यू मैं देखो मैं वैसा इंसान हूँ जिसको बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख नहीं होता तो पहले तो मैं खुद को डिफाइन कर देता हूँ ठीक है आ, तो मेरे पास में इंडिया टैलेंट गया था कॉलेज में पहली बार जीते थे तो बत्तीस लोगों की डांस टीम थी जो मैं लीड कर रहा था मैं डायरेक्टर था और सब पागलों की तरह स्टेज पर नाचे थे और मैं उनको देख रहा था उनकी खुशी को देख रहा था कि चलो मैंने ये चीज़ अचीव कर ली दैट्स इट बस हो गया अब वॉट नेक्स्ट तो मेरा वो है तो मेरे साथ वो तो बहुत ही मुश्किल है कि होगा कि यार ये कर लिया आप चलो थोड़ा आराम करते हैं या या सक्सेसफुल हो गए मुझे नहीं लगता वो फीलिंग मेरे अंदर कभी भी आएगी जो सक्सेस को डिफाइन अगर मैं करना चाहूँ तो ये यार कि मैं जो करना चाहता हूँ ठीक है तो एज अ राइटर एज एन एक्टर एज अ डायरेक्टर तीनों फेज में जो भी मैं करना चाहता हूँ और उस तरह का मैं अगर काम कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए मैं एक सक्सेसफुल पोजिशन पे हूँ मेरे पास आज कुछ कहानियों के आइडियाज़ हैं अगर मैं उनको लिख पा रहा हूँ मेरे पास रिसोसेज हैं उनको लिखने के लिए या उनको आगे डायरेक्ट करने के लिए तो मैं सक्सेसफुल हूँ बस अभी के टाइम पर वो मोमेंट का सक्सेस है और वही खुशी है एज एन एक्टर भी सिमिलर है कि मैं दिमाग में रहते हैं कि कुछ इस तरह के रोल कर पा रहा हूँ क्या बस ठीक है फिर उसका क्या आउटपुट है उससे आई डोंट थिंक मैटर करेगा मेरे लिए कोई बट कोई ऐसी चीज़ जो लाइक यू वॉन्ट टू डू एज अ क्रिएटिव एज एन आर्टिस्ट दैट यू वॉन्ट टू डू और आपको लगता है कि यार बस कुछ hmm. भी नहीं किया ना तो एटलीस्ट ये किया तो मेरा काम हो जाएगा लाइक आई वुड बी हैप्पी इन लाइफ मेरे अंदर ना ऐसा नहीं है कि मुझे ये कहानी मैं बहुत फ्रेंडली बता रहा हूँ कि ये कहानी नहीं कही ना मैंने या ये कहानी कह दी ना तो भाई मतलब मज़ा ही आ गया यही करने आया था मैं नहीं hmm. हो सकता है जो कहानी आज मुझे कहनी है

आई टेल यू वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज अभी रिसेंटली भुवन का भुवन भाम का आई वॉज लिसन टू वन इंटरव्यू जिसमें वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया आता है लाइक like, सोते वक्त उठते वक्त हकते वक्त नहाते वक्त सो जस्ट राइट दैट आइडिया डाउन क्योंकि आइडिया बहुत ही फिकल्ड होते हैं uh, आपको अभी आइडिया है आपको एक घंटे बाद हो सकता है hmm. आप वो भूल जाओ वेर एज ऑन द अदर हैंड देर वॉज एन इंटरव्यू ऑफ स्टीफन किंग उसमें वो बोलता है कि यू शुड नॉट राइट टूअर आइडियाज डाउन क्योंकि इफ़ इट्स आ गुड आइडिया देन इट विल स्टे विद यू लॉन्गर बट इफ इट्स अ बैड आइडिया आप उसको एक घंटे में भूल जाओगे सो यू डोंट नीट बैड आइडियाज यू नीट गुड आइडियाज और वो लिखोगे ना तो वो बैड आइडिया भी इमोटलाइज हो जाएगा राइट सो विच प्रोसेस विच आइडियोलॉजी यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद आई वु गो मोर जी जी बोथ थिंग्स आर राइट एक्चुअली ठीक है फ्रेंकली बस कॉन्टेक्स्ट की बात है क्योंकि uh, कुछ ना ऐसी चीज़ होती है क्या बोलते हैं लोग कहते हैं ना मुहावरे या प्रोवक कभी पढ़ते हो एक ना वो प्रोवक एक कॉन्टेक्स्ट में काम करता है लेकिन उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लगाओ तो है क्या वाई, बात लगाया ऐसा <laughs> थोड़ी होता है जिंदगी में तो वो कॉन्टेक्स्ट की बात है तो दोनों बात सही है मैं लिखता भी हूँ ठीक है आई कीप नोट और मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाहूंगा कि कोई यार एक अच्छी ऐप है बनाओ जिसमें ना ऐसा लिखें कि यार ये सीन मैं एक्सेल शीट बना रखी है ये डायलॉग ये सीन ये ये वो ठीक है ये करता था मैं चार साल पहले

ठीक <laughs> है पर वॉट आई डू इज आई डू राइट मैं लिखता हूँ वाला अब मैंने बंद कर दिया है उतना सीन्स वाला नहीं लिखता क्योंकि मैं फिर वापस एक्सेस ही नहीं कर पाता उस सीन को मैं hmm. कोशिश करता हूँ वो जो वाली बात उनने बोली ना कि सबकॉन्शियस में रह ही जाएगा वो चीज और जब जरूरत पड़ेगी पन्नों पे एकदम से निकल के आएगा ठीक right. है तो वो चीज़ कर रहा हूँ पर मैं आई आई हैव लॉट्स ऑफ डॉक्स गूगल डॉक्स कुछ शो कॉन्सेप्ट हैं कुछ मूवी कॉन्सेप्ट हैं तो मैं वो लाइनर लिखता हूँ वापस देखता हूँ उनमें से कौन सा मेरे पास छः महीने बाद भी उसको मजा आ रहा है पढ़ने में तीन चार रिजेक्ट हो जाते हैं दो तीन वर्क करते हैं और जो चीज़ स्टे करती है आप उस चीज़ को फिर फुल फ्लेजली परस्यू करते हो

चाहते ही अपन के अपन वैसे वाला टोन और वो थोड़ा मज़ा आता है बीइंग एन इंजीनियर वो फास्ट पेस वो सब डायलॉग्स टक 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 उस पेस पर कहानी चले तो मज़ा तो आता ही है तो वो तो है ही उनका फिर मुझे जो जितने भी अडेप्टेसन वाले हैं विशाल भारद्वाज सर के वो बहुत सही लगते हैं मुझे जिस तरह से वो करते हैं कैरेक्टर्स बनाते हैं अपने इंटरेस्टिंग उस सेटअप में थोड़ा रूरल सेटअप में भी तो उनका मेरे को बहुत हमेशा एक्साइटमेंट रहता है जब वो कुछ कर रहे होते हैं Uh, मैंने रिसेंटली राजू रानी सर को पहले तो सिर्फ एज एन ऑडियंस उनकी कहानियों को देखा था पर अभी थोड़ा और उनका uh, करना शुरू किया था क्योंकि जो कैरेक्टर वाली चीज़ है ना कुछ डायरेक्टर्स या कुछ राइटर्स अभिजात जैसे हुए कुछ राइटर्स ना बहुत सही से कैरेक्टर्स बहुत अच्छे बनाते हैं इंटरेस्टिंग बनाते हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम प्लॉट और कुछ लोग हैं जो प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं सिचुएशन बहुत अच्छी बनाते हैं तो तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट तो अभिजात सर का मैं इसलिए देखता हूँ कि कैरेक्टर्स कैसे मतलब यू नो कहाँ से पकड़ा क्या किया Uh, और कुछ लोगों का प्लॉट के लिए कि बहुत प्लॉट इंटरेस्टिंग बनाते हैं राइट uh, सो right. so, uh, आपकी जवाब वेन यू सिट सेट डाउन टू राइट आप सब टेक्स कॉन्शियसली ढूंढते हो उसमें और लाइक लाइक इज इट समथिंग दैट कम्स टू यू सब कॉन्शियसली लिखते लिखते पता नहीं ये मैं जो बोलूँगा वो जारगन है या नहीं है बट uh, कुछ चीज़ें कॉन्शियसली uh, सोची जाती हैं ठीक है जैसे कल ही मैं एक कहानी पे काम कर रहा था शो की तो, तो कैरेक्टर्स को डिजाइन ही ऐसे किया था या उनका फेस ऑफ ही सिलेक्ट किया था आगे जाके कभी होगा कि उससे ये एक और लेयर निकल के आएगी जब वो उनका ये ऐसा वाला सीन बनेगा तो कुछ चीजें हैं जो कॉन्शियसली आप स्ट्रक्चरिंग के वक्त ही सोच लेते हो uh, कि, कि, आप, आप ना बेसिकली अपार्ट फ्रॉम प्लॉट कुछ एक और चीज एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हो वो एक नई चीज कुछ होती है ठीक है वो आप थोड़ा सोचते तो हो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर सीन में ही आप सोचोगे क्योंकि फिर तो आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे मतलब पहले आप कहानी तो लिख लो तो बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो लेकिन जितना मिल पा रहा है जितना अपना दिमाग सोच पा रहा है अपना छोटा सा दिमाग उतना सोच लो पर फसो मत क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है पहले तो फिर कहानी के बाद आप उसमें लेयरिंग और ऐड कर सकते हो लेकिन अगर पहले से लेयरिंग आ रही है दिमाग में लिखते वक्त कई चीजें होती हैं जो पहले से क्लिक कर जाती हैं क्योंकि कई बार ना मोटिवेशन ही कई कई कहानियों का वो चीज की वजह से होता है

फिर फिर भी work कर जाएगी क्योंकि इंसान है क्या सुनना चाहता यार मैं ट्रेन से आ रहा था और 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 पर ना एक, आ, गार्ड और गार्ड ना एक मिला उस ने मेरा देखा और फिर ना उसके चेहरे के रंग उड़ गए तो अब जनता चाहती है आगे क्या <laughs> ना तो तुम्हें ये कैरेक्टर पता है ना गार्ड का कैरेक्टर <laughs> पता है तुम्हें सिर्फ एक सिचुएशन पता है फिर भी तुम जानना चाहोगे अभी मेरे को आगे क्या उसने क्या देखा पासपोर्ट में तो स्टोरी इज इम्पोर्टेंट सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टेक अवे एंड दैट्स ऑल्सो द पॉइंट आई वुड वॉन्ट टू एंड दिस एपिसोड टू है हाई पॉइंट वुड बी फॉर मीज टू गेट द आइडिया की स्टोरी इज द किंग एसेंशली एंड ऑन दैट नॉट आई थिंक वी शुड वाइंड दिस अप संदीप अगर आपको जेन्यूनली मजा आया कैन यू आस पीपल टू कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब Uh, काफ़ी मज़ा आया मुझे बोहेमियन प्रोजेक्ट के साथ पॉडकास्ट करने में बातें करने में काफ़ी सारी फ़ालतू बातें की हैं जो ये लोग एडिट कर देंगे <laughs> काफ़ी कुछ शायद थोड़ी बहुत जो काम की बात होंगी वो लोग ये लोग रिटेन करेंगे तो इनको बोहेमियन प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब करिए शेयर कीजिए क्योंकि इसमें तुम्हें अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी